उम्दा होकर जायका मिला हो अक्षर ढाईका स्वादों से भरी प्लेट है खुश फैमिली और पेट है फिर जिंदगी तो ग्रेट है वाह क्या टेस्ट 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 है। किसी ने एक बार कहा था A recipe has no soul. You as the cook must bring it to the recipe. Well, अच्छा खाना खाने के लिए तो बहुत सी चीजें मिल जाती हैं. लेकिन अच्छा खाना बनाने के लिए आनी चाहिए आर्ट एंड साइंस. मतलब ये कि जब तक आप सीखेंगे नहीं अच्छा खाना बनता कैसे है तब तक आप किसी भी डिश में टेस्ट नहीं ला सकते हैं तो हमेशा की तरह आज के एपिसोड में भी हम आपको सिखाएंगे न्यू और टेस्टी रेसिपीज So friends, welcome to your favorite cookery show, jiska naam hai Waah Kya Taste Hai. Kya taste hai? Waah Kya Taste Hai? Did you know that? Curry leaves, which is one of the main herbs used in Indian cuisine, especially in the South Indian cuisine, have the power to fight anemia, diabetes and grey hair. Not only that, they also help to improve your digestion and to lower your cholesterol levels. Henna amazing! Well friends, जैसे कि आपने पिछले गए हुए एपिसोड में देखा कि हमने आपको द अशोक के किचन में बहुत से रीजन्स की ऑथेंटिक रेसिपीज बनानी सिखाई हैं। तो आज भी तो हमारा फर्ज बनता है भाई कि हम आपको किसी न किसी रीजन की सैर कराएं। तो चलिए बुलाते हैं हमारे मास्टर शेफ को और उन्हीं से पूछते हैं कौन से रीजन की आज सैर कराने जा रहे हैं। सो वेलकम शेफ अरविंद। हेलो श्रद्धा, हाउ आर यू? आई एम वेरी फाइन शेफ, हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू। तो चलिए जल्दी से बता दीजिए हमारे व्यूअर्स को कि कौन से रीजन की सैर होने जा रही है आज। आज हम तमिलनाडु की डिश बनाएंगे जिसका नाम है करवे पिल्ले एरल। ये बेसिकली तमिलनाडु के चेटीनाड प्रांत की डिश है और इसमें प्रॉन यूज करते हैं करी पत्ते के फ्लेवर के साथ। तो बहुत अच्छी डिश है, वहाँ के हम आपको सिखाते हैं कैसे बनाते हैं। जी बिल्कुल, जल्दी से फिर शुरू करा जाए इंग्रेडिएंट से। जी हाँ, इसमें पहले लेते हैं हम प्रॉन, फ्रेश प्रॉन लेते हैं हम लोग। साथ में लेंगे करी पत्ता, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, काली मिर्च, जिंजर गार्लिक का पेस्ट, लेमन जूस, नमक और बेसन। क्या टेस्ट है, वाह क्या टेस्ट है। हम करवे पल्ले एरा के लिए पहले फ्रेश प्रॉन लेते हैं। फ्रेश प्रॉन लेके पहले हम इसको डीस्केल करेंगे। इसको प्रॉन को लेके साइड से काट के ऐसे करके इसका हम इसका स्केल निकाल लेते हैं। इसका स्केल निकाल दिया। अब इसको बीच में से काट के इसको डी वेनिंग करते हैं। इसका अंदर का जो होता है इसकी वेन निकाल देते हैं इसकी। जी। तो वेन इसका निकाल दिया गया है। इसको निकाल के साफ करके इसको अच्छी तरह पानी में धो लेते हैं। ये हमने पहले सब डिवेन किया हुआ है, साफ करके किया हुआ है। इसको हम सब पानी में धो लेते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखें कि प्रॉन के पीछे कांटा होता है, इस कांटा जरूर निकाल दें यहाँ से। तमिलनाडु में सी कोस्टल एरिया होने की वजह से वहाँ प्रॉन और सेल फिश बहुत लाइक किया जाता है। ये हमने सब प्रॉन काट डिवेन करके काट के इसको यहाँ रखा हुआ है। इसको हम धो लेते हैं अच्छी तरह पानी में। जी। धोने के बाद हम इसको थोड़ा फ्लैटन करते हैं। ये हैमर स्टेक है, इसे थोड़ा फ्लैटन करेंगे इसको। ये प्रॉन जो है तमिलनाडु की डेलिकेसी है। अब हम इसको प्लेट में लेंगे। इसको मैरिनेशन के लिए हम लोग इसमें डाल लेंगे सॉल्ट और लेमन जूस। थोड़ा लेमन जूस लगाएंगे इसके अंदर और थोड़ा सॉल्ट डालेंगे इसके अंदर। इसको अच्छी तरह लगा के हम लोग आधे घंटे के लिए इसको रख देंगे मैरिनेशन में, थोड़ा इसको सॉफ्ट होने के लिए। इसका अगला स्टेप है, हम इसके लिए सॉस बनाएंगे। इसका जो मैरिनेशन सॉस है, इसका मेन आइटम है वो है करी पत्ता। इसको बोलते हैं करवे पिल्ले। इसमें करी पत्ता लेंगे, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा काली मिर्च और लेंगे इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट। जैसा कि इसका नाम है करवे पिल्ले, इसका मतलब एक करी पाउडर फ्लेवर्ड है। करी पाउडर के अपने बहुत गुण होते हैं, इसकी मेडिसिनल वैल्यू भी है।
जैसे पेट का डायरिया हो उससे आराम मिलता है, आपका बाल का ग्रोथ के लिए अच्छा है ये और आपके स्किन के लिए अच्छा है। इसका हम पेस्ट बना के लाएंगे, हम जाते हैं किचन में इसका पेस्ट बनाने के लिए। क्या टेस्ट है, वाह क्या टेस्ट है। तो जब तक शेफ गए हैं ग्राइंड करने, लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट चेटिनाड्स। जो चेटिनाड रीजन के लोग होते हैं उन्हें बहुत ही स्पाइसी खाना पसंद होता है। तो देखते हैं आज जो हम डिश बना रहे हैं प्रॉन खरवाई पिल्ले, वो कितनी स्पाइसी बनने जा रही है। इस करी पेस्ट में करी पत्ता जो है मेन आइटम है, बाकी इसमें लाल मिर्ची, हल्दी, काली मिर्ची वगैरह है। अब इसको हम प्रॉन को मैरिनेट करेंगे। ये इसमें निकाल लेते हैं, ये हमारा सीजन प्रॉन है। इस प्रॉन पे हम लोग थोड़ा थोड़ा सा चटनी लगा लेते हैं। चटनी लगा के इसको करीब 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे और अलग रखेंगे इसको। आप चाहें तो इसको अपने हिसाब से कम या ज़्यादा स्पाइसी कर सकते हैं। ये हमने इसको मैरिनेट कर दिया और भी थोड़ा चटनी चिपकने के लिए हम थोड़ा सा इसके ऊपर हल्का सा डालेंगे बेसन, ताकि ये ठीक से मैरिनेट हो जाए और इस पर जो मसाला है चिपका रहे इसके ऊपर। तो ठीक से लगा देंगे इसको। जब इसको प्रॉन को हम ग्रिल करते हैं तो ये प्रॉन सिकुड़ जाते हैं, तो इसको सिकुड़ने को रोकने के लिए हम इसको ये साटे स्टिक है इससे लगा दे, ताकि ये प्रॉन्स सिकुड़े नहीं और सीधे रहें। यह साटे स्टिक है, इसको यहाँ से लेके इसको यहाँ लगा देंगे ताकि ये प्रॉन्स सीधे रहेंगे। करी पत्ते के साथ प्रॉन भी हेल्दी डिश है, इसके अंदर आपको कैल्शियम, फास्फोरस और ओमेगा 3 मिलता है इसके अंदर। अब हम इसको 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे ताकि ठीक से मैरिनेट हो जाए। जी बिल्कुल, इसमें यहाँ रख देते हैं और करीब 2 घंटे के बाद हम इसको निकालते हैं बाहर और इसको ग्रिल करते हैं पैन में। जी बिल्कुल शेफ, तो चलिए रख के आते हैं इसे रेफ्रिजरेटर में। जी चलिए। क्या टेस्ट है, वाह क्या टेस्ट है। तो दादी अब ये प्रॉन 2 घंटे के लिए मैरिनेट हो गया है, अब ये ग्रिल के लिए तैयार है। अब इसको हम ग्रिल करेंगे इसको हम। जी पहले एक पैन लेते हैं तो गर्म करते हैं, थोड़ा सा थोड़ा तेल डालते हैं इसके अंदर। ये करवे पिल्ला एरा 2 तरह से बनता है, एक करी के लिए बना सकते हैं मतलब मसालेदार, और एक इसको ग्रिल भी कर सकते हैं इसको। तो हम ये बनाएंगे हल्का ग्रिल करके, आज हम ये स्नैक्स की तरह भी खा सकते हैं। जी और हाँ, ग्रेवी आइटम जी भी हाँ, बना जी सकते हाँ। हैं। इसको ग्रिल भी खा सकते हैं, स्नैक्स में खा सकते हैं इसको और मेन कोर्स में खा सकते हैं इसको। थोड़ा तेल गर्म करेंगे। शेफ जनरली जो चेरीनाट्स की डिश होती है वो बहुत ज्यादा स्पाइसी होती है। जी हाँ जी, तो ये कितनी स्पाइसी होने वाली है। ये हमने मॉडरेट रखा है क्योंकि हर लोग ज्यादा स्पाइसी नहीं खा पाते हैं, जब हमने मॉडरेट रखा है, ज्यादा भी नहीं है थोड़ा कम भी नहीं है। अगर आप चाहें तो उसको बढ़ा भी सकते हैं या कम भी कर सकते हैं अपनी चॉइस के अनुसार। तो प्रॉन्स में ऐसा तो नहीं है कुछ फ्लेवर गलत आ जाएगा अगर हम उसकी स्पाइसेस बढ़ा देंगे? नहीं नहीं, ऐसा ये तो आपके टेस्ट के ऊपर है, आप कैसा खाना चाहेंगे आप। अब तेल गर्म हो गया है, इसे ग्रिल करेंगे। अब मीडियम हीट पे ग्रिल करेंगे। ज़्यादा तेज गर्म करने पे या ग्रिल करने पे प्रॉन जो होता है रबरी बन जाता है, इसलिए उसको ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए इसको प्रॉन को। मीडियम हीट पे हल्का ग्रिल करें इसको। अभी ग्रिल हो रहा है, ये आपको करी पत्ते का फ्लेवर भी आ रहा है इसके अंदर से। इसका मेन इंग्रेडिएंट जो हम अगर देखें तो वो करी लीव्स है। जी हाँ करी लीव्स इसके अंदर, बेसिकली करी फ्लेवर्ड ही प्रॉन है ये, इसीलिए इसका नाम करवे पिल्ले एरल है। सो मींस करवा पिल्ले इज करी लीव्स, मतलब ये करी लीव, एरल इज प्रॉन इन तमिलनाडु। ऑलराइट, तमिल लैंग्वेज में इसको एरल बोलते हैं। ओके जी, खुशबू तो आनी शुरू हो चुकी है सर। जी हाँ, पूरा एरोमा सेट हो रहा है। जी हाँ, अभी प्रॉन ग्रिल हो रहा है, अभी इसको 3 से 4 मिनट ग्रिल करें, ज़्यादा ग्रिल ना करें इसको।
जी, जब ग्रिल करें हल्का ब्राउन हो जाए, गोल्डन ब्राउन, तब इसको निकाल दें इसको। बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही हेल्दी है ये, आप जरूर लाइक करेंगे इसको। क्या बात है। वैसे देखा जाए तो ये रेसिपी जो है बहुत इजी है। जी हाँ, बहुत इजी है, आप इसे घर बना सकते हैं। जी हाँ, घर में सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं। जी हाँ, अच्छा करी पत्ता तो आपको इंडिया में आपको हर जगह मिल जाता है ये। करी पत्ता एक ऐसा पौधा है आई वुड से जो हर घर में लगता है। साउथ में से बोलते हैं करी पत्ता, लेकिन नॉर्थ में कुछ लोग बोलते हैं इसको मीठे नींबू। अच्छा, अब ये प्रॉन हो गया है, अब ये ग्रिल हो गया है प्रॉन। जी शेफ, तो आप प्लेटिंग करते हैं इसकी? जी हाँ, अब ये प्रॉन पक चुके हैं, अब इसमें प्लेटिंग करेंगे इसको हम। चूंकि ये डिश तमिलनाडु की है, जहाँ केले का पत्ता बहुत इस्तेमाल किया जाता है, हम केले का पत्ता लेंगे, तो प्लेट वैसे लगा लेंगे, एक छोटा सा हेड लेंगे, प्रॉन के साथ नींबू जाता है, एक नींबू रखेंगे और उसके प्रॉन को इसके ऊपर लगाएंगे। इसके साथ चटनी आती है आपकी, कोकोनट की चटनी आती है, टमाटो कोकोनट चटनी, और एक पुदीना चटनी जो हमने पहले से बना के रखा हुआ है। ये टमाटो कोकोनट चटनी है और ये पुदीने की चटनी है, इसमें धनिया है, पुदीना है, तो हल्का सा गार्निश करेंगे, तड़का करेंगे बेसिकली। इसमें करी लीफ है, सरसों है और उड़द दाल है। अभी आपका तैयार है करी पिल्ला एरा, आप इसको टेस्ट करें और बताएं कैसा है ये। But before I taste, I must say this, chef, कि प्रेजेंटेशन के तो 100 में से 100 मार्क्स बनते हैं chef. So well, मैं बहुत excited हूँ, मुझे तो इसको देख के लग गई है भूख। अब मैं जा रही हूँ इसे टेबल पे खाने, तब तक आप देखिए इसका एक क्विक रीकैप और जल्दी से मिलिए मुझे टेबल पे। करवा पिल्ली एरर बनाने के लिए सबसे पहले प्रॉन को डीस्केल करें और फिर डीवेन करके उसे अच्छे तरीके से धो लें। हैमर स्टिक से फ्लैटन करके उसके ऊपर लेमन जूस और सॉल्ट डालकर मैरिनेट करें। सॉस के लिए एक जार में करी पत्ता, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, काली मिर्च और जिंजर गार्लिक पेस्ट मिक्सर ग्राइंडर में डालकर पेस्ट बनाएं। अब प्रॉन को उस सॉस से मैरिनेट करें और उसके ऊपर थोड़ा बेसन डालें। अब प्रॉन को स्ट्यू स्टिक में लगा के 2-3 घंटे रेफ्रिजरेट करें। अब एक तवे में तेल डाल के मैरिनेटेड प्रॉन को धीमी आंच पे ग्रिल करें और गर्मा गर्म परोस दें। क्या टेस्ट है, वाह क्या टेस्ट है। So here we are for the table segment, जहां हमने जो डिश बनाई है, अब फाइनली हमें मौका मिलने वाला है उसे टेस्ट करने का। Yes, chef? जी हाँ मैम, जो हमने और आपने मिलके करवे पिल्ले एरा बनाया है करी फ्लेवर्ड प्रॉन, उसको अब टेस्ट करने का समय आ गया है। आप टेस्ट करें और बताएं ये कैसा है ये। जी बिल्कुल, so please serve. हम चाहें तो इसको ग्रिल प्रॉन के साथ इसको मसाला प्रॉन बना सकते हैं, करी फ्लेवर्ड मसाला प्रॉन। तो इसको ग्रेवी बनाने के लिए इसकी एक अलग से मसाला प्रिपेयर करना पड़ेगा। इसके लिए अलग मसाला पड़ेगा, उसके लिए टमाटर चाहिए, प्याज चाहिए, आपको और मसाले चाहिए होंगे। इसका मसाला बना के, ग्रेवी बना के उसमें प्रॉन को पकाते हैं। जी, हम तो स्नैक्स खा रहे हैं, पर अगर आप चाहते हैं तो इससे ग्रेवी बना के भी खा सकते हैं। तो चलिए वाइट वे जल्दी से स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। करवे पिल्ले एरा। बिल्कुल। सो आई एम गोना हैव लाइक दिस ओनली। पहले इसकी खुशबू ले लेते हैं अच्छे से शेफ। Amazing. Now let's taste it. बहुत ही prominent flavor है इसमें करी पत्ते का, और spices बहुत अच्छी तरह इसमें blended है. Very tasty. What do you say? वाह क्या taste. वाह क्या taste. तो ऐसा जब tasty खाना खाने को मिलता है ना, तो
क्या कहने का मन करता है सबका, वाह क्या टेस्ट है, क्या टेस्ट है, वाह क्या टेस्ट है। वाव, प्रॉन करवा पिलाई वाज जस्ट टू अमेजिंग। आई एम श्योर कि आप लोग जब घर पे ट्राई करेंगे आपको भी बहुत पसंद आने वाला है। सो फ्रेंड्स, चलिए अब वक्त हो चुका है एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार आप जानते हैं कि हम आपको एक ही रेसिपी नहीं सिखाते हैं, हम आपको बहुत सी रेसिपी सिखाते हैं टेस्टी टेस्टी। तो कहीं जाइएगा मत, वापस आइएगा। क्या टेस्ट है, वाह क्या टेस्ट है। क्या टेस्ट है, वाह क्या टेस्ट है। वेलकम बैक टू योर फेवरेट कुकरी शो जिसका नाम है वाह क्या टेस्ट है। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा कि फर्स्ट एपिसोड में हमने सीखी कैसे बनती है प्रॉन करवा पिलाई, जो थी बहुत ही स्पाइसी, तो क्यों ना अब कुछ मीठा हो जाए। तो चलिए देखते हैं क्या मीठा बनने जा रहा है हमारी सेकंड सेगमेंट में। वाह क्या टेस्ट है, हल्की तेज आंच भी हो, मसाला तड़का जांच भी हो, फ्लेवर भी अप टू डेट है, खुश फैमिली और पेट है, फिर सब कुछ ग्रेट ग्रेट है। वाह क्या टेस्ट है, वाह क्या टेस्ट है। वेलकम बैक व्यूअर्स टू आवर दादी माँ सेगमेंट। आज मैं आपको बना के दिखाने वाला हूँ सेब का हलवा। इसके लिए हमको चाहिए होगा, पहले मैं आपको बता देता हूँ इंग्रेडिएंट्स क्या क्या चाहिए होगा। एक तो सेब, देसी घी, शुगर, गोंद, सिनेमन पाउडर, दालचीनी पाउडर, कीरे का बीज, खोया और फाइनली चॉप्ड नट्स। इसमें आप पिस्ताशियो डाल सकते हैं, आलमंड डाल सकते हैं और कैशनर डाल सकते हैं। क्या टेस्ट है, वाह क्या टेस्ट है। अपना छोटा सा कढ़ाई लीजिए, इसमें थोड़ा सा देसी घी डाल दिया हमने, एक चम्मच देसी घी। जैसे ये घी मेल्ट हो रहा है, अब हम इसी के अंदर एप्पल ग्रेट करके डालेंगे। व्यूअर्स, अब मैं एप्पल ग्रेट कर रहा हूँ, लेकिन आपका मन में ये चल रहा होगा कौन सा एप्पल सही होगा इस पर्टिकुलर रेसिपी बनाने के लिए। किंग ऑफ द एप्पल्स किन्नौर एप्पल को कहते हैं, क्योंकि ये स्लाइटली मीठा होता है, नेचुरल स्वीटनेस इसमें भरपूर होता है। तो हम किन्नौर एप्पल यूज़ करेंगे इस पर्टिकुलर रेसिपी के लिए। किन्नौर एप्पल में भी आपका दो तीन वैरायटी है, जैसे रेड डेलीशियस, रॉयल, गोल्डन, ऐसे बहुत सारे वैरायटी है, लेकिन हम यूज़ करेंगे या तो रेड डेलीशियस या रॉयल एप्पल इस पर्टिकुलर रेसिपी के लिए। नदीमा, आपने तो बचपन से हमको ये सिखाया, एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। अब मैं सारे व्यूअर्स को यही बताना चाहता हूँ कि ये जिसने भी हमको बताया है, सिखाया है, सही सिखाया है। एप्पल में इतने सारे मतलब हेल्थ का एंटीऑक्सीडेंट्स है, जो आपका हार्ट डिसीज़ रोक सकते हैं, एंटी एजिंग फैक्टर्स है, इवन एजिंग में आपका मतलब मदद कर सकता है एंटी एजिंग में। हम एप्पल को थोड़ा सा इसी देसी घी में भून लेते हैं जब तक इसका पानी इवेपोरेट नहीं हो जाता है। थोड़ा सा एप्पल सॉफ्ट हो जाएगा, हमने जो ग्रेट करके डाला है इसमें, और पानी इवेपोरेट हो जाएगा। चलिए अभी एप्पल थोड़ा सा और इसको सॉफ्ट कर लेते हैं, और अब मुझे लग रहा है दादी चीनी डालने का समय हो गया। दादी डाल दूं चीनी? चलिए दादी ने इजाज़त दे दिया, अब मुझे लग रहा है ये एप्पल सॉफ्ट हो गया है। मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आप एप्पल को जितना देर पकाओगे वो उतना डिस्कलर होता जाएगा। जैसे सॉफ्ट हो गया, जैसे इसका पानी इवेपोरेट हो गया, हम इसमें अभी नेक्स्ट स्टेप अपना शुगर ऐड करेंगे। चीनी फ्रूट के अंदर ऑलरेडी होता है फ्रुक्टोज, जैसे आपको बताया था मैंने, हम इसमें सिर्फ एक चम्मच
चीनी ऐड करेंगे बस। अब चीनी को थोड़ा सा इसी में पकाते हैं। दादी कैसा लग रहा है? खुशबू आ रहा है? चलिए हमारा चीनी भी अभी इसके अंदर मेल्ट हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा खोया। अब इसको भी खोया को भी थोड़ा सा इसके अंदर ब्लेंड करेंगे एप्पल के साथ। अब मुझे लग रहा है कि हमारा फाइनल फिनिशिंग टच ऐड करने का समय आ गया है। व्यूअर्स अब हम इसको फिनिश करेंगे बाय एडिंग लिटिल बिट ऑफ कुकुम्बर सीड्स, खरबूजे के बीज या खीरे का बीज ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। नट्स जैसे मैं आपको बताया था पहले ही, जो आप चाहते हैं उस नट्स को आप इसमें इन्फ्यूज़ कर सकते हैं। पिस्ताशियो, कैश्यू नट, किशमिश या अखरूट। और फाइनली इसके अंदर क्रंचीनेस लाने के लिए मैं ऐड करूँगा थोड़ा सा गोंद, जिसको मैंने ऑलरेडी फ्राई करके रेडी रखा हूँ। ये हो गया हमारा रेसिपी तैयार। एप्पल का हलवा अभी रेडी है। दादी क्या कहते हो? मैं इसको अभी निकाल के प्लेटिंग कर दूं? आप चेक के बताना आज कि एप्पल का हलवा बना कैसे। क्या टेस्ट है, वाह क्या टेस्ट है। अब हमारा सेब का हलवा रेडी हो चुका है। हम इसमें फिनिशिंग टच देंगे, जस्ट ए पिंच ऑफ सिनेमन, जो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ सिनेमन सेब के साथ बहुत ही अच्छा जल करता है और सिनेमन हेल्थ के लिए भी अच्छा है। तो हमने एक हिंट इसमें सिनेमन पाउडर डाल दिया और इसको थोड़ा सा मिला लिया। चलिए अब हमारा डिश रेडी हो चुका है और हम करेंगे इसका प्लेटिंग। मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक सिखा देता हूँ आज प्रेजेंटेशन में, जो घर में आसानी से हो सकता है। इसके लिए हम दो बटर पेपर लिए हैं और घर में कांटे चम्मच तो होता ही है, एक कांटा और एक चम्मच प्लेट का एक कोने में लगा दिया हमने। और हम इस पे थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे सिनेमन पाउडर। अब इसमें दालचीनी पाउडर डाल रहे हैं हम थोड़ा थोड़ा करके। जस्ट एक प्लेट में डिज़ाइन बनाने के लिए। अब हम करते हैं इसको अलग से हटा देते हैं। अब हम कांटा और चम्मच भी यहाँ से हटा देते हैं। एक छोटा कटोरी कोई भी हो आप ले लें। इसमें थोड़ा सा हल्का घी, देसी घी अगर लगा दें तो आसानी से निकल जाएगा आपका हलवा। इसमें आप एप्पल का हलवा भर लें। और इसको हम प्लेट पे डीमोल्ड कर देते हैं। ये हो गया हमारा एप्पल का हलवा रेडी। थोड़ा सा गार्निश के लिए हम डाल देंगे पिस्ता और बादाम का फ्लेक्स, और चाहे तो थोड़ा सा खोया भी डाल सकते हैं आप, क्योंकि ये हलवा है। चलिए व्यूअर्स अब हमारा प्लेटिंग खत्म हो चुका है। अब मैं और दादी इसका लेंगे थोड़ा सा टेस्टिंग। तब तक आप लीजिए एक रिकैप। क्रंची एप्पल हलवा बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में देसी घी डालें और घी गर्म होने के बाद बिना छिलके के एप्पल को कस लें। अब उसमें चीनी, खोया, खरबूजे के बीज और नट्स डालकर भूनें। फिर गोंद और दालचीनी डालकर थोड़ा और भूनें।
हमारा क्रंची एप्पल हलवा अब तैयार है। इसे गर्मा गर्म परोस दें। क्या टेस्ट है, वाह क्या टेस्ट है। क्या टेस्ट है, वाह क्या टेस्ट है। So friends, I hope आज का शो देख के आप सभी को बहुत मजा आया होगा एंड आई होप कि आप लोगों को हमारी कुकिंग प्रोसेस भी अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स प्लीज हेल्प अस सर्व यू बेटर फॉर द फ्यूचर एपिसोड्स बाय लीविंग योर फीडबैक्स कमेंट्स एंड सजेशंस ऑन आवर ईमेल आईडी व्हिच इज वाह क्या टेस्ट है @gmail.com। So friends, आज के लिए बस इतना ही, बट वी प्रॉमिस अगले एपिसोड्स में भी हर एपिसोड की तरह हम बहुत सी अच्छी डिलिशियस रेसिपीज लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए डीडी नेशनल। नमस्कार। क्या टेस्ट है, वाह क्या टेस्ट है।